गिरिराज सिंह का एक बयान कि हमारी लड़ाई देश के गद्दारों के खिलाफ है। मैं गिरिराज सिंह को एक नेक सलाह देना चाहूंगा और मैंने पहले भी कहा था कि अब देशद्रोही कौन है जो रैली में नहीं गए होता है, जो इंसानियत और मानवता का कत्ल करता है, जो व्यक्ति खुद ही देश के जान का दुश्मन हो जाए गद्दार वो होता है ना। जिसके हाथ में देश हिफाजत में ना हो गद्दार वो होता है। जिसके हाथ में 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी हो और वो हिफाजत में नहीं हो, जो लोग देश की लोकतंत्र को बेचता है उससे बड़ा गद्दार, जो लोग इवेंट्स मैनेजमेंट करके डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन गया है इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में उससे बड़ा गद्दार, जो लोग धर्म को हफीम की तरह इस्तेमाल करता है अपने वोट सियासत और सत्ता के लिए और गरीबों के पैसे का नजायज उगाही करके सत्ता में लगाता है उससे बड़ा गद्दार कोई होता ही नहीं है। इस देश का लगभग पॉलिटिशियन जो दिल्ली और पटना में बैठ करके जाति का उन्माद और धार्मिक और मजहबी उन्माद पैदा करके सत्ता का गंदा खेल खेलता है उससे बड़ा उन्माद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सवाल पर जो देश को आग में झोंकना चाहता है उससे बड़ा गद्दार देश के इंसानियत के लिए आवाम के लिए कोई नहीं है। आज मैं मानता हूं कि गिरिराज सिंह टाइप के जो भी लोग इस हिंदुस्तान में जो वोट और सियासत के लिए अपनी संस्कृति संविधान को लोकतंत्र और जनतंत्र के लिए खतरा बन जाए, आज इस देश का वो गद्दार है जिसके लिए संविधान लोकतंत्र संस्कृति और भारत की जनता